हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के बना रहा हूँ। और पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम देखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर, देखिए उसका यूज कैसे करेंगे। आपने यूज पहले भी किया होगा, आपको पता है इन नॉट इन आता है, आप लूप के अंदर भी कई बार यूज करते हैं इसको, फॉर आई इन रेंज। तो जो इन है ना, यही जो है मेंबरशिप ऑपरेटर होता है। एक इसके अलावा और होता है नॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको यूज करके देखेंगे कैसे यूज करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। लिस्ट की पहचान तो पता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से लिस्ट की पहचान होती है। और यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर कुछ किताबों के नाम लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ पाइथन, ठीक है। ये हो गया पहला पाइथन, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे जावा, JAVA, ठीक है। तो ये ICSE बोर्ड में पढ़ाया जाता है जावा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्यू बेसिक। ये भी एक लैंग्वेज है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। तो ये तीन लैंग्वेजेस के नाम हमने लिखे हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करना है, हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इसीलिए प्रिंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अगर मैं सीधा सीधा ए लिख दूं तो ये पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, आपको पता ही है, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, ये बड़ा आसान है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी नाम से इसको सेव करता हूँ, .py लगाइएगा, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे पूरी लिस्ट प्रिंट हो जा रही है। लेकिन पूरी लिस्ट प्रिंट करने से मतलब नहीं है, हमें देखना है मेंबरशिप ऑपरेटर जो कि इन है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डबल कोट्स लगा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं पाइथन, पाइथन लिख दिया, ठीक है। अब पाइथन लिखने के बाद डबल कॉमा क्लोज करके यहाँ पे पाइथन लिख दिया मैंने, यहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करेंगे, इन। अब यहाँ पे हमने लिया है ए, तो इन ए कर देंगे, बस इतना ही करना है। ये दो ब्रैकेट नहीं क्लोज होंगे, एक ही क्लोज होगा क्योंकि हमने एक ही लिया था। और यहां से F5 करते हैं, तो ये ट्रू या फॉल्स में इवैल्यूएट करके देगा आंसर। तो क्या पाइथन इस लिस्ट के अंदर है, जरा गौर कीजिएगा, पाइथन इस लिस्ट के अंदर मौजूद है। तो अगर हाँ तो ये ट्रू देगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ट्रू में रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। और अगर नहीं मौजूद होता, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी लैंग्वेज जो ना मौजूद हो, जैसे यहाँ पे कॉटलिन लिख देता हूँ, तो कॉटलिन भी एक लैंग्वेज है, तो ये हो गया कॉटलिन। अब ये कॉटलिन लिख दिया, अब यहां देखिए कॉटलिन तो मौजूद नहीं है, तो ये फॉल्स में इवेल्युएट करेगा आंसर। तो यहां देखिए ये फॉल्स आ रहा है, देख रहे हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेटर इसी तरीके से काम करता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। और यहां पे अगर मान लीजिए मैं नॉट इन लिख देता हूं, नॉट इन भी एक कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, अगर मैं नॉट इन लिख देता हूं तो क्या होगा, तो ये ट्रू में करेगा। देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर दो टाइप के, एक इन एक नॉट इन, ठीक है। तो यहाँ पे F5 किया, एंटर किया, तो ये देखिए ये ट्रू में करेगा क्योंकि नॉट इन लगा दिया ना, इसी वजह से ये ट्रू दे रहा है क्योंकि कॉटलिन तो इस लिस्ट में है नहीं, ठीक है, तो ट्रू में रिजल्ट देगा। लेकिन अगर मैं इन लगाऊंगा तो ये फॉल्स देगा क्योंकि कॉटलिन तो इस लिस्ट में है ही नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आई होगी बात।